नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष पर कोटला मुबारकपुर वार्ड 60 हैस के निगम पार्षद एवं एसडीएमसी लाइसेंस कमेटी के चेयरमैन विनोद करोतिया के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई नई दिल्ली लोकसभा से सांसद एवं केंद्रीय विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने वहां उपस्थित होकर विनोद करोतिया को इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि विनोद जी लगातार ऐसे कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पार्षद विनोद करोतिया ने सांसद मीनाक्षी लेखी का धन्यवाद किया, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला और वाल्मीकि जयंती के बारे में बताते हुए लोगों को जागरूक किया। दोस्तों, क्या है सारा मामला, देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता जितेश अनेजा की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो सब बोलेंगे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज अपने कोटला क्षेत्र में, क्योंकि ये मेरा रिहायश है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा वार्ड है और मेरे वार्ड के सभी जाति धर्म को मानने वाले सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और भगवान वाल्मीकि जी में जिन्होंने बराबरी का हम सबको कर्म सिखाया, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, इस सब के लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। समाज से बुराई दूर करना, और खास तौर पे आप सोचिए कि सीता जी ने जब अपना परिवार, जो महारानी थी वो तो अयोध्या की और जनक जी की पुत्री थी, जब अपना परिवार छोड़ा तो कहाँ गई वो, कहाँ गई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो भगवान वाल्मीकि में कितनी श्रद्धा उनकी होगी कि एक सीता मैया जैसी महारानी, जो लक्ष्मण के पास जा सकती थी, उनके भाई के जैसे ही था, बच्चे जैसे था, अपने परिवार में अपने पिता के पास जाती जा सकती थी, जनकपुर की रानी थी वो, बेटी जनकपुर की, वो हनुमान जी के संपर्क में रहकर, वो भी बेटे जैसे थे, वो उनको देख सकते थे, भरत देख सकते थे, कहीं रह सकती थी, मगर उन्होंने चुना वाल्मीकि जी का आश्रम। और ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट थी, यानी राम परिवार के जो रघुकुल के जो आने वाली संतान है, उसका जन्म और भरण पोषण कैसा हो वो वाल्मीकि महाराज द्वारा किया जाए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और जिस अयोध्या नगरी की हम सब पूजा करते हैं और हम सब वहाँ राम मंदिर की चिंता करते हैं, ऐसी अयोध्या नगरी की जो आने वाली संतान और पीढ़ियाँ हैं, जिन्होंने और अपने शासन को बढ़ाया और जगह पर वो सभ्यता को बढ़ाया लव और कुश के माध्यम से, उनका जन्म और उनका भरण पोषण वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ। ये जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वाल्मीकि जी नहीं होते तो ना तो हमें हिंदू धर्म समझ आता और ना ही सीता जी का परिचय होता, ना सीता जी की या रघुकुल को आगे चलाने वाली संतान का भरण पोषण होता। ये देन है वाल्मीकि भगवान की। वाल्मीकि समाज के लिए कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान वाल्मीकि जो है उन्होंने हिंदू समाज की धरोहर को बचाया है और हम सबको सही संदेश दिया है, बराबरी का संदेश दिया है। और समाज के जो आदर्श हैं, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श बेटा, आदर्श पत्नी और आदर्श समाज कैसा हो, उस सबके उदाहरण जो है रामायण ने स्थापित किए, उन्हीं उदाहरणों की वजह से हिंदू समाज के वो आदर्श हैं। और यही मेरा मानना है कि भगवान वाल्मीकि पूरे हिंदू समाज के प्रिय हैं। और आपको देख सकते हैं कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई ऊंच नीच इस तरीके का व्यवहार नहीं है और सब लोग हर धर्म जाति को मानने वाले आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सबको भारत माता की एक बेटी होने के नाते बधाई देना चाहती हूँ कि आप सब
अच्छे लोग हैं और भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए आदर्शों पर चलकर हम अपने समाज की संरचना करें। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि आपने बात कही श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की, लेकिन अब वो माहौल खत्म हो गया है। कोई माहौल खत्म नहीं हुआ, भगवान राम हम सबके मन में बसते हैं और हर लक्ष्मण हर भाई के मन में बसता है और वही हमारे समाज का आदर्श है। आदर्श तक हर बार लक्ष्य के रूप में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आदर्श वही है और हर भाई चाहता है कि वो लक्ष्मण जैसा भाई बने। इतना समय आपने इस कार्यक्रम में दिया, लोगों ने अपने आपको बड़े प्यार से सुना है, क्या कारण है इस तरीके से आपने यहाँ काम? सब मेरे भाई बहन हैं और मेरे में उनकी एक सरोकार अपनापन है, तो इसलिए सुनते हैं और विनोद जी का कार्यक्रम है उसमें भी सब लोग शामिल हैं। लगातार मैम विनोद जी ऐसे कार्यक्रम करते रहते जिससे लोगों को जोड़ने का काम वो करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? अरे, मेरा भाई है, काउंसलर है, यहाँ का सेवक है, सबके काम करता है, यही कहना चाहती हूँ। भगवान इसको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और ऐसे ही सेवा करता रहे। इस बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है मैडम कि इस बार एमसीडी में हमारी बिल्कुल पक्के में पार्टी आने वाली है, क्या लगता है जिस तरीके से आप बोल रही हैं? देखो, पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था ना, और हम जानते हैं कि किस तरीके का दुष्प्रचार उन्होंने कोविड के समय पे किया, किस तरीके से एमसीडी को तबाह करने का उन्होंने प्रयास किया और किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। दिल्ली रायट्स होम, एमसीडी का काम नहीं होने देना हो, दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, पानी भरता है, तो अपने हिस्से का काम तो कर नहीं पाए, एमसीडी खाक संभालेंगे। तो मैं जानकारी दूँ, ये मेरे करीब करीब 25 साल से मंच का आयोजन कर रहा हूँ और ये कोई एक राजनीति वाली बात नहीं है, ये हर साल हम कहीं ना कहीं पर मंच लगा कर, लेकिन अब ये मेरी वार्ड है, मैं यहाँ से काउंसलर हूँ। पहले मैं राष्ट्रीय मंदिर वाल्मीकि मंदिर पचके रोड पर ये मंच लगता था और उसमें अनेकों धर्म के लोग, ये इसमें ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि ही होंगे, या सभी का मतलब कि हम सबको बुलाते हैं और एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और भगवान गुरु वाल्मीकि भगवान से दुआ करते हैं कि भाई जिस तरह उनकी लिखी हुई माँ काव्य जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की, उस अगर जो रामायण ना होती तो शायद रामायण भी ना होते, वो भगवान राम भी ना होते, और उसी को देखते हुए जो अयोध्या में राम मंदिर जो बना है इसी रामायण की देन है, इसलिए हमारे लिए पूजन है और हम इसको पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं आज के दिन। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में कौन आने वाला है और किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी, जो जानते हैं आपकी, वो विदेश राज्य मंत्री व संस्कृति मंत्रालय उन्हें अभी फिलहाल में ही मिला है और वो इतने बिजी शेड्यूल में से सुबह भी उनकी मतलब कि कोई कार्यक्रम है सुबह, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विदेश जाना है, कल कह रहे कल की कोई फ्लाइट है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर वो पहुँचने वाली हैं और वो हर वर्ष आती हैं, ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। उपस्थित कार्यक्रम में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके वार्ड से भी और दूर दूर से भी आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी के लिए? देखिए, हमारे बीच में चौधरी ओम प्रकाश जी जो हमारी अभी दक्षिणी दिल्ली रामलीला के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़ी रामलीला का इन्होंने आयोजन किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कोटला में ये स्तंभ कहलाते थे, आज भी हैं और इन्हीं का आशीर्वाद है, सुबह से ही हमारे कार्यक्रम को यही देखभाल कर रहे हैं। रोहतास बसोया जी और हमारे भरत चौधरी जी, ये दोनों हमारे जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का यूनिट होता है मंडल, उसके ये महामंत्री हैं। विवेक वैसला जो कि उपाध्यक्ष है हमारे मंडल के अंदर, और अमित गुप्ता है और अमित वकील जो कि हमारा ही अभी साकेत से जो चुनाव जो कोर्ट से जो चुनाव होता है उसका ये चुनाव जीत कर ही, ये भी हमारी टीम का एक हिस्सा है और हमेशा हमारे साथ। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देशवासियों को देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी बात तो कि 450 साल में जो मंदिर नहीं बना और कह रहे थे जी इतना विवाद हो जाएगा, मैं खुले मंच पर कहता हूँ इस बात को, तो कहता अगर जो भगवान वाल्मीकि में शक्ति थी हम तो यही पूजा करते थे भाई किसी तरह हमारा राम मंदिर बनना चाहिए, और उन्होंने ही गुरु महाराज ने बनाया और यही संदेश देंगे कि भाई जब भगवान राम का मंदिर बन सकता है तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में हमारी ये जो रामायण है उससे बड़ा महाकाव्य ना कोई लिखा गया ना दोबारा लिखा जाएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर? एक वाल्मीकि की जब कार्यक्रम है ये तो पहले से आज से नहीं, पिछले अंग्रेजों के उनसे टाइम से चला रहा है,
ये जो भगवान रामचंद्र जी भी जो पैदा हुए थे वो भी इन्हीं के गुणों पे पैदा हुए थे और इन्हीं के उसकी वजह से चले आ रहे हैं हम। और हमारे करौतिया जी निगम पार्षद इस क्षेत्र से हैं, इन्होंने 4 साल से जब से यहाँ, ये तो पुराने, हम तो झंडे वाले भी जाते थे इनके प्रोग्राम में, जब से ये 4 साल से लगातार यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के जितने भी वार्ड के हैं मेरे साथ में, जितने भी मंडल के सत्र के महामंत्री या जिले के जो भी यहाँ हैं, सारे के सारे इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और करौतिया जी के लिए जितना भी है काम, या बहन जी का भी, पूरे दिल से जो है यहाँ काम हो रहा है। तो धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि करौतिया जी, विनोद करौतिया जी और मैडम मीनाक्षी लेखी जी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, और इस वार्ड के अंदर क्या पूरे नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर ही जो है मैडम का तो बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व बोलता है। और ये जो आयोजन यहाँ महर्षि वाल्मीकि स्वामी का जो हम लोग जो मिलकर कर रहे हैं, उसमें संगठन की बहुत ज़्यादा भागीदारी है। आदरणीय विनोद जी जो है इस आयोजन को प्रत्येक साल जो है बड़ी निष्ठा से और बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं, मनाते हैं। इसके अंदर जनता का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और लोग भी इसको जो है बड़े उत्साह से मनाने के लिए दूर दूर से यहाँ पे उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आपके मीडिया के जरिए सभी को बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, क्योंकि वाल्मीकि जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और वाकई में अगर कहें तो हिंदुत्व को जगाने वाले वाल्मीकि जी ही हैं। और यहाँ पर आकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है अपने समाज के साथ ही बैठकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज हम दोबारा से वाल्मीकि जी को याद किया है, और जो उन्होंने रामायण में रचना करी है उसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो चलती बिल्कुल रामायण पे, तो असली रचयिता तो यही है हमारे वाल्मीकि जी। तो मैं इसकी बहुत